शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। What the hell? मेरे साथ ही क्यों होता है यार? पता नहीं मेरी किस्मत में प्रॉब्लम क्या है? हर बार सेट मेरा होते होते क्यों मेरा नहीं हो पाता? क्योंकि वो तेरी किस्मत में ही नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? सच्ची तो बोल रही हो? सिट की किस्मत अब आशी है। वो दोनों पति पत्नी हैं और तुमने सुना तो होगा ही, पति पत्नी का साथ एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का। Shut up! कोई एक जन्म नहीं, कोई 7 जन्म नहीं। सिट उस आशी का नहीं है, सिट मेरा है। उसे मेरा होना ही होगा, इस जन्म में भी और अगले हर जन्म में भी। गीत, तुमसे कुछ बात करनी है। हम जानते हैं कि तुम सिद्ध से बहुत प्यार करती हो। कल तक तुम्हारे प्यार को पाने में हमने भी तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन अब नहीं दे पाएंगे। हम भी जानते हैं और तुम भी, सिद्ध हमारा बेटा है। उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, तो जब उसकी शादी हो चुकी है, तुम ही बताओ हम उसकी शादी तुमसे कैसे करवा सकते हैं। देखो बेटा, प्यार से समझा रहे, बात को हल्के में मत लेना, दिल पे लेना। भले ही बच्चों ने तुम्हें एग्जाम के बहाने यहां पे रोक लिया है और तुम रुक भी गई, लेकिन गलती से भी अपनी हद पार मत करना। जिस रिश्ते से रुकी हो उस रिश्ते में रहना, उससे बाहर मत आना। आशी और सिद के बीच में तो आने का सोचना भी मत। तुम हमारी सहेली की बेटी हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन सिद हमारा बेटा है, उसकी खुशी के लिए ब्रह्मांड से लड़ जाएंगे हम। और उसकी खुशी आशी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे की खुशी को किसी की नजर लगे। हमारी नजर तुम पर रहेगी हमेशा। और हाँ, आज शाम को होली का दहन है, हम राम जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे आशी और सिद्ध के नए जीवन की खुशहाल शुरुआत हो, उनका रिश्ता हमेशा अटूट रहे, जिंदगी में कभी अलग ना हो। समझ रही हो ना? आशी, तुम बेटा अभी तक पूजा के लिए तैयार नहीं हुई? काकी माँ, बस हम जा ही रहे थे, हम बस अभी तैयार हो के आते। ये नहीं पहनोगी तुम? ये पहनो, हमने ही तुम्हारी जिंदगी से ये रंग छीने थे ना, तुम्हारी जिंदगी बेरंग कर दी थी। अब हम ही तुम्हें तुम्हारे रंग वापस कर रहे हैं। और आशी, आज हम अपने हाथों से तुम्हें तैयार करेंगे। आशी, तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो जो वी तुम्हें नेल पेंट लगा रही है। वी तो उसके खुद के काम नहीं करती, बट तुम्हारे लिए कर रही है। थैंक यू राम जी,
आज इतने सालों बाद आपने आशी की जिंदगी में खुशियां डाल ही दी। अब इसके चेहरे की इस मुस्कान को कभी मत छीनना, इसे हमेशा खुश रखना। रुको, हम चाहते हैं कि तुम सिंदूर लगाओ, हमारे बेटे के नाम का सिंदूर, लेकिन अभी नहीं। तुम दोनों बहुत सालों बाद मिले हो, हमारे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है, तुम दोनों के रिश्ते का पुनर्जन्म हुआ है। वो पुराना रिश्ता पता नहीं कब कौन सी मुहूर्त में जुड़ा था, लेकिन इस बार हम नहीं चाहते कि कोई भूल चूक हो। इस बार हम एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे और तुम दोनों का पुनर्विवाह करवाएंगे। तुम्हें अपने बेटे की दुल्हन बनाएंगे। काकी, आपकी आंखों में हमारे लिए ये प्यार, इसे देखने के लिए हम बरसों तरस गए। राम जी, आज तो आपने हमें दुनिया की सबसे अनमोल चीज दे दी, हमारी माँ दे दी। जय श्री राम। अच्छा विद्या, निधि, वी, दोनों आशी को जल्दी से नीचे लेके आओ, पूजा का समय हो रहा है। जी माँ। चले। अगर आशी से नजरें हट गई हो तो अपनी बहनों को भी देख लो, हम भी कम रेडी होकर नहीं आए। नहीं वी, मैं आशी को नहीं, मैं तो तुम्हें देख रहा था। ओ, देखा देखा, किसे देख रहा था? सिद्ध भाई, सही कहते हैं लोग, भाई बहन का रिश्ता ना बहुत डिफरेंट होता है, सबसे अलग। शायद इसीलिए दिल कहता कि आपको भाई कह के बुलाओ, और बुलाया भी, बट सोचा ही नहीं था कि सच में हमारे, हम आपको बता नहीं सकते, हम इतना खुश हैं आपके लिए और हमारी पति के लिए। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि हमने तुम्हें कितना मिस किया। पता है, हर रक्षाबंधन पर मैं राखियां लेकर आती थी और ये सोच के अपने पास रख लेती थी कि जिस दिन मेरा भाई वापस आएगा ना, तो उसकी कलाई पर मैं सारी राखियां एक साथ बांधूंगी। बहुत इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन तुम आए नहीं। But God is great. Finally, तुम आ ही गए। निधि, तो मैं आ गया ना? और वैसे भी अपने इतने प्यारे परिवार से और कितना दिन दूर रहता मैं? मुझे तो आना ही था। आशीष, सिद्ध, विद्या, निधि, चलो जल्दी नीचे आ जाओ, पूजा का मुहूर्त हो गया है। सिद्ध भाई, आप भी जल्दी से आ जाओ, वरना आपको पता है ना माँ कितनी स्ट्रिक्ट है। हाँ, अभी तो प्यार से कह रही है, दो मिनट और लेट किया ना तो यूं डांट लगाएंगे। चलो। रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया, तन्हा है लोगों में, लोगों में तन्हाई, दिल का मिजाज इश्किया। हेलो,
कहा? वो काकी ने बुलाया ना। ऐसे कैसे? पहले वो तो बोलो जो बोलना है। क्या बोले? आई लव यू। जब कोई लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोलता है तो लड़की को भी तो जवाब देना होता है ना। कह दो आशी, वी लव मी टू। पर क्यों बोले? हमें तो प्यार है ही नहीं। चल झूठी, प्यार तो है। तुम्हारी आंखें बोलती हैं। अच्छा, क्या बोलती हैं? ये तुम्हें मुझसे प्यार है। फिर एक काम करो, हमारी आंखों से ही बात कर लो, वो ही कह देंगे जो कहना है। अच्छा, तो प्यार नहीं है? हाँ? नहीं है। वो तो बाबा और काकी माँ ने कहा है ना कि हमारी तुमसे शादी हो गई है, तो मान लिया। बाबा और काकी माँ ने कहा है कि तुम पति हो, तो मान लिया। वैसे शादी अभी होनी है पति उसके बाद, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार है।